Problem 23. Vikas and Kashyap are in need of funds. Vikas and Kashyap dono ko paison ki zarurat hai. For their mutual accommodation, Vikas draws a bill on Kashyap for rupees 6,000 at 2 months. दोनों की म्यूचुअल एग्रीमेंट है, ठीक है, म्यूचुअल कम्पटिशन है, दोनों रजामंद हैं एक दूसरे के साथ. विकास ने बिल ड्रा किया कि काशिप ने कितने का रुपीज 6,000 का 2 महीने के लिए, विच काशिप एक्सेप्ट. काशिप ने बिल लिया, वो एक्सेप्ट कर लिया. विकास गेट्स बिल डिस्काउंटेड बाय हिज बैंक 12% पर एन. विकास ने बिल बैंक से डिस्काउंट करवा लिया एंड सेंड हाफ ऑफ द प्रोसीड टू काशिप. और हाफ प्रोसीड किसको भेजती है? काशिप को, ठीक है. बिफोर द ड्यू डेट विकास सेंड द रिमेनिंग अमाउंट ड्यू टू काशिप एंड काशिप पे द बिल ऑन द ड्यू डेट. फिर ड्यू डेट से पहले रिमेनिंग अमाउंट भी भेज दिया बिल की, ताकि वो अपना बिल पे कर सके, और उसने अपना बिल पे कर दिया ड्यू डेट. एंट्रीज पास करें विकास और काशिप दोनों के बुक में. तो सबसे पहले बिल ड्रॉ करते हैं कि बिल कौन ड्रॉ कर रहा है? विकास. इस पे काशिप. बिल रिसीवर ऑन डेबिट और काशिप अकाउंट क्रेडिट. कितनी अमाउंट से? 6,000. काशिप बिल ड्रा हुआ है, विकास को डेबिट करेगा और बिल पेबल को क्या करेगा? क्रेडिट. कितनी अमाउंट से? 6,000 से बिल ड्रा हो गया. उसके बाद बिल क्या हुआ? डिस्काउंट हुआ है, डिस्काउंट कराया गया. बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट और बिल रिसीवेबल अकाउंट क्रेडिट. बैंकिंग बुक आप बनाना चाहें तो अपनी आसानी के लिए बनाओ, ठीक है. डिस्काउंट कितना निकलेगा जी? 6,000 का बिल है, 2 महीने का बिल है, ठीक है, 12% होगा, ठीक है. ये डिस्काउंट आएगा जी इसका, यहाँ कैलकुलेट कर लेते हैं. 6,000 मल्टीप्लाई बाय 12 डिवाइडेड बाय 100, 2 months का बिल है, मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइडेड बाय 12, ये आ जाएगा कि 120. डिस्काउंट आ गया 120. बैंक में कितनी अमाउंट है? 5,880. हो गया. अब उसके बाद बैंक से डिस्काउंट करवाने के बाद हाफ अमाउंट जो है काशिप विकास ने भेज दी है काशिप को. अब मैंने आपको पहले भी बताया था कि जब हाफ अमाउंट भेजेगा उसको तो जो डिस्काउंट है वो भी हाफ होगा, ठीक है. डिस्काउंट एक्सपेंस कितना है इसके पास? 120. तो ये हाफ डिस्काउंट शेयर करेगा, तो इसका हाफ डिस्काउंट एक्सपेंस क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा. तो एक्सपेंस की डिक्रीज, क्रेडिट. डिस्काउंट को क्रेडिट करेंगे कैसे? हाफ रसीड भेजी पहले काशिप, काशिप को डेबिट करना आपने इतने से 3,000, 6,000 का 3,000 बनता है. कैश को क्रेडिट करें या बैंक को क्रेडिट करें, दोनों में से एक को आप क्रेडिट कर रहे, ठीक है. कितनी अमाउंट से? डिस्काउंट को आप करें पहले, डिस्काउंट कितना हो गया जी? 60. तो ये बन जाएगी जी 2,940. ठीक हो गया. 3,000. अब ये बिल ड्रॉ हुआ था किसके लिए? काशिप की हेल्प के लिए, ठीक है. तो जो बिल ड्रॉ करता है अपनी हेल्प के लिए, अपनी जरूरत के लिए, वो फिर उसको बिल की अमाउंट भी भेजता है. बिल की अमाउंट भी कौन भेजेगा? जिसने बिल ड्रॉ किया, क्योंकि ये बिल की अमाउंट इसकी हेल्प के लिए ड्रॉ किया गया, ड्रॉअर की. तो ड्यू डेट से पहले ये पूरी अमाउंट इसको भेजेगा ताकि ये अपना बिल पे कर सके. ये है अकोमोडेशन, ठीक है. हाफ परसेंट भेज, डिस्काउंट भी आप कर लिया, उसके बाद रिमेनिंग अमाउंट भी ड्यू डेट से पहले भेज दिया. तो रिमेनिंग अमाउंट भेजिए काशिप अकाउंट डेबिट, कैश या बैंक क्रेडिट. रिमेनिंग अमाउंट कितनी? 3,000 भेज दिया उसको.
3000 रिसीव करेगा कैश या बैंक को डेबिट करेगा ये कितने से 3000 से क्रेडिट किसको करेगा नहीं विकास को। अब विकास ने अपनी ड्यूटी पूरी करती है उसको सारे पैसे भेज दिए पहले भेज 3000 डिस्काउंट ऑफ शीट कर लिया और फिर बाद में 3000 6 साल इसके पास कंप्लीट हो गया। अब ये बिल की अमाउंट पे कर दिया क्योंकि इसने पे कर दिया बिल पे का काम डेबिट और कैश अकाउंट क्रेडिट कितनी अमाउंट थी 6000। ये आप नोट करना चाहें नोट कर लें ये विकास की बुक है और ये काशी बैंक की बुक आप बनाना चाहें तो खुद बना लें अपनी आसानी।